हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 महीने से आप लोग की क्लासेस प्रॉपरली क्या चल ही नहीं रही हैं, ठीक है। लेकिन आज आप लोग का पहला लेसन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th का। तो डिस्कस करने से पहले, कल CBSE की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसमें आपके 30% सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें डिडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है। पहला लेसन तो सबको पता है कि पहला लेसन जैसे आपके बायो के NCERT में 5 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो उस 5 यूनिट में पहला यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन का है, सेकेंड यूनिट जो है वो जेनेटिक्स का है, ठीक है, थर्ड यूनिट बायोडाइवर्सिटी की है, फोर्थ यूनिट जो है उसमें आपको इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इको सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लास्ट यूनिट जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, जितने भी जो छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट के बारे में या इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं 12th का अगर सिलेबस देखें तो। अब 12th के सिलेबस में जो पहला आप लोग का रिप्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो आप लोग का रिप्रोडक्शन है, तो उस रिप्रोडक्शन में जो पहला लेसन था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो आप लोग का फर्स्ट यूनिट था, तो इस फर्स्ट यूनिट में जो पहला लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये चीज़ अब आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फ्लॉरिंग प्लांट्स या इसको हम और क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह सकते हैं। 11th में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें एंजियोस्पर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म इज द मॉडर्न प्लांट, हाईली इवॉल्व प्लांट, ठीक है। थर्ड जो है आप में, इसमें थर्ड लेसन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये चीज़ अब भी पढ़नी है आपको, ठीक है। और लास्ट लेसन जो इसमें है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो ये 4 लेसन है, तो 4 लेसन में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग आपको फर्स्ट यूनिट की कहाँ से करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और थर्ड पढ़ना है आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट यूनिट की बात होगी। अगर सेकेंड यूनिट में देखें तो सेकेंड यूनिट में 3 लेसन था, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस था, ठीक है। अगर सेकेंड यूनिट को हम देखते हैं तो सेकेंड यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है, पहला लेसन है, ठीक है। सेकेंड लेसन जो है वो हेरिडिटी, वही चीज़ है, हेरिडिटी या वेरिएशन, वो यही प्रिंसिपल्स है या हेरिडिटी एंड वेरिएशंस है, ठीक है। दूसरा जो इसमें है वो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो ये अब भी आपको पढ़ना है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड जो इसमें था इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन अब आपके सिलेबस से रिमूव किया जा चुका है, ठीक है, मतलब अब इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट में 2 ही लेसन आप लोगों को पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस या हेरिडिटरी वेरिएशंस, ठीक है, और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड यूनिट जो थी आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, ठीक है, तो उस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें थी, 3 लेसन थे उसमें, ठीक है। एक तो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजीज अब आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
थर्ड यूनिट में देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, मतलब ह्यूमन के वेलफेयर में माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट में था आप लोग का बायोटेक्नोलॉजी था, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और पहला था और दूसरा था इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब आपको एप्लीकेशन रिमूव कर दिया है, केवल आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट यूनिट जो है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी चार लेसन था, ठीक है, उसमें से भी दो लेसन क्या किया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट 50 यूनिट है आपके, तो इसमें पहले चार लेसन था, लेकिन अब आपको दो ही लेसन इसमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ठीक है, और सेकेंड लेसन इसमें पढ़ना है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें एक दो लेसन और था, एक इन्वायरमेंटल इशूज़ था और एक इन्वायरमेंट करके था, वो दोनों लेसन क्या हुआ है, रिमूव कर दिया है, ठीक है, तब ओवरऑल आपको यही दो लेसन पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। हालांकि आप लोग थोड़ा बहुत पहले का रिप्रोडक्शन के बारे में जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, आज यहाँ पे हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिलेबस आप लोग का 30% रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी टाइम आपको घर पे मिल रहा है उस टाइम को आप प्रॉपरली क्या करिए, यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। पहला जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट, मतलब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग, आपके चारों तरफ बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं, तो उसको आज आप जैसा देखोगे आज से 10 साल 20 साल बाद भी आप वैसे ही देखोगे, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होने, ना उसमें ग्रोथ होने वाला है, ना उसमें किसी तरह का मूवमेंट होने वाला है, ठीक है, ना उसमें किसी तरह का उसका नंबर इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रोथ हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस प्रोसेस के थ्रू जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस, हम कह सकते हैं इसको, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंश्योर्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, इंश्योर करता है। सपोज डैट अगर मान लीजिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हर एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होती है, एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है, उस लाइफ स्पैन को स्पेंड करने के बाद उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, या जैसे भी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस डेथ के बाद अगर मान लीजिए उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज उसके डेथ के साथ ही क्या हो जाती,
एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई भी मेंबर्स अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमिनन विच इंश्योर्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। जो अर्थ पे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है, इट इज अ इसेंशियल, इट इज एन इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज जो अर्थ पे प्रेजेंट होती है उसके सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है, या कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है। नॉर्मली देखिए रिप्रोडक्शन की जो बेसिक कैटेगराइजेशन होती है वो दो ही होती है। नॉर्मली रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे रिप्रोडक्शन की तीन कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसमें थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हालांकि आगे चल के आपको बताया जाएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है। तीनों को पहले देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली ऑकर्स इन प्लांट, ये जनरली किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि किसी भी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें तीन ही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और आपको पता है कि प्लांट्स के इन तीनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाईसेक्सुअल फ्लावर, वो प्लांट्स के क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर्स तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको जनरेट कर रहा है जिस प्रोसेस के, तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, तो नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई प्लांट्स, हमने स्टार्टिंग बताया कि ये जनरली प्लांट्स में होता है, तो अगर कोई प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज करके अपने ही जैसे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है, अपने ही जैसे नए प्लांट्स को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, आपने किया भी होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा इसका हम एग्जांपल ले लें, रोज़ प्लांट्स सबने अपने घर पे लगाया होगा कभी ना कभी, ठीक है, छोटे पे, या अगर नहीं लगाया होगा तो लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। जब भी हम रोज़ के प्लांट को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट इट इज़ द कटेड स्टेम ऑफ रोज़ प्लांट, ठीक है, ठीक है, कटेड स्टेम ऑफ रोज प्लांट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉइल में बरीड कर देते हैं, ठीक है,
ऐसे सॉइल में हम इसको बरीड कर देते हैं और उसको प्रॉपरली सॉइल से उसको क्या होता है वाटर, उसकी वाटरिंग करते रहते हैं, वाटर और मिनरल्स उसको क्या होता है सॉइल से मिलता है, बाकी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल जाती है, एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ठीक है, CO2 और सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हर्बेसियस स्टेम है उसका, ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने इंडिकेट किया है दैट इज कॉल्ड नोड्स। देखिए रोज प्लांट का जो भी स्टेम हम कट करते हैं, ठीक है, तो द कटेड पोर्शन ऑफ स्टेम शुड हैव एटलीस्ट वन नोड्स। तो जो कटेड पोर्शन हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, उसमें कम से कम एक नोड्स प्रेजेंट होना चाहिए। रीज़न क्या है इसका, आपको पता है कि इस प्लांट्स, इस कटेड स्टेम को आपको जनरेट करना और जनरेट करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करना है। तो जनरेट करके जब नए प्लांट का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नए प्लांट बनाने के लिए सेल्स चाहिए और सेल्स प्लांट्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किस तरह के सेल्स में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, किस तरह के टिश्यूज में, तो मेस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेस्टेमेटिक टिश्यूज में आपको पता है डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके सेल्स में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है। जैसे ही इनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, ठीक है, सुटेबल कंडीशन मिलती है, तुरंत जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, ग्रो अप करने लगते हैं, डिवीज़न करने लगते हैं, डिवीज़न होता है, फिर सेल्स का डिवीज़न के बाद इनलार्जमेंट होता है, फिर उनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उनसे शूट और लीव्स का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए कटेड स्टेम जो लेते हैं हम उसमें जो नोड्स होते हैं वो कम से कम एक नोड्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, बाकी एक से ज़्यादा भी रहे तो भी वो जर्मिनेट करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने स्टार्टिंग में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बताया कि अगर कोई प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज करके नए प्लांट्स को जनरेट कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे नए रोज प्लांट को हमने कैसे जनरेट किया, जो पुराना रोज प्लांट था उसके स्टेम को यूटिलाइज करके, इसी तरह किसी पुराने प्लांट्स के रूट्स को यूटिलाइज करके अगर हम नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर किसी प्लांट्स के लीव्स को यूटिलाइज करके अगर हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ अब लीव्स थोड़ा आपको ऑड लगता होगा कि कैसे लीव्स को यूटिलाइज करके हम नए प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, तो सारे प्लांट्स की लीव्स को तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिस प्लांट्स की लीव्स में बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस प्लांट्स की लीव्स को अगर हम जर्मिनेट कराएं तो प्रॉपर कंडीशन मिले तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ओवरऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट को ही यूटिलाइज करके हम नए प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आगे का जो भी टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे।